नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। क्या एक मुसलमान का राम भक्त होना गुनाह है? क्या एक मुसलमान का भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखना, विश्वास रखना गुनाह है? देखिए, ये तमाम बातें आज हम आपको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यही चीज करना बीजेपी बिहार के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल को भारी पड़ गया है। और अब दानिश इकबाल को धमकी भरे कॉल्स भी आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में राम मंदिर के समर्थन में बयान दे दिया था, जिसके बाद हंगामा मच गया था। तो सबसे पहले आप वो वायरल होता हुआ ऑडियो कॉल सुनिए। हाँ जी, हेलो, आ रहा है? हेलो, हाँ आ रही आवाज, बताएं कौन बोल रहे हैं? दानिश इकबाल बोल रहा है। हाँ दानिश बोल रहा हूँ। सैयद लारा बकरम बोल रहे थे? हाँ जी बताएं। पहचान रहे हैं कि नहीं पहचानते हैं? नहीं, बताया जाए। क्या बड़ा सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा हुल मार रहा है खून आपका। क्या ना क्या चाह रहे हैं आप बताएं? बाबर को गाली दे रहे हैं, औरंगजेब को गाली दे रहे हैं, आपको गाली देने का जरूरत है पूरी दुनिया जान को? नहीं, जो वास्तविकता है वो बोलने में आप वास्तविकता आप वास्तविकता बाछेंगे, इतिहासकार कौन रहा? बाबर बाबर कौन लगता है आपका? नहीं, बाबर कौन लगता है आपका? कौन लगता है आपका? कौन लग रहा है राम भाई? नहीं, राम 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 पूछिए, कौन मना कर रहा? राम तो इस देश की संस्कृति है, परंपरा है, प्राचीन है, सभ्यता है। मानिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? नहीं, वो तो जो हिंदुस्तान में, नहीं बिल्कुल नहीं, आप हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की सभ्यता को मिटा नहीं सकते ना। नहीं 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 ये बेग जवान नहीं लड़ाओ, ठीक है? आप हिंदुस्तान की, आप कौन कौन की आप संस्कृति बताएंगे? नहीं बिल्कुल बताएंगे हमको हिंदुस्तान का। आप जैसे लोग जो कि भारत की ज्यादा सुनना नहीं हमको। नहीं तो आप फोन किस लिए किया आप? अपना ही जो जहाँ उलट पलट बयान दे रहे हैं, हीरो बनने का शौक हो गया, नेता बन रहा तो है, नेता है, है नेता पर कूद रहा है, कौन है? ये ज्यादा सम्राट चौधरी के साथ और इसके साथ उसके साथ घूम रहा, तुम नेता हो गया? ये आज ये जो ये जो सरकार है, ये आरजेडी की सरकार पे कूद रहे हो आप? होश में रहो, आरजेडी की सरकार पे कूद रहे हो? अपना देखना, आरजेडी में क्या सबका निस्तार नाबूद हो जाएगा 24 और 25 में? कोई बचाने नहीं आएगा? सांप्रदायिक राजनीति बंद करो, आप अपना करो भाई, सब लोग सबका सम्मान है, श्री राम जी का सम्मान है, सीता मैया का सम्मान है, सब लोग पूछते हैं, सब करे। आप बाबर के नाम पे मिर्ची क्यों लग जाती है? नहीं नहीं, आपको आपको आप आप औरंगजेब को गाली बकेंगे आप? बिल्कुल औरंगजेब, औरंगजेब गाली क्या बकेंगे? औरंगजेब आतंकी था, बोलता हूँ आतंकी था औरंगजेब। जादेब जादेब मत, जादेब नहीं, क्या कर क्या लोगे आप? क्या नपा जाओगे, समझ में आ जाएगा। क्या कर लोगे? ज्यादा नहीं, फालतू बात नहीं, क्या कर लोगे? औरंगजेब आतंकी था, है और रहेगा आतंकी। बिहार से दौड़ा के मारेंगे, समझ में आएगा? आ जाओ, कल पार्टी कार्यालय में 11 बजे मिलेंगे। कहाँ रहते हो? पार्टी कार्यालय में? पार्टी कार्यालय में रहोगे झुंड में जा करके? आ जाओ जाओ, कहाँ कहाँ आना बताओ। आप देखिए, आप आपको सिंपल बता रहे हैं, आप मेरी बात सुनो, बुद्धि खोल ले, बुद्धि खोल ले, सुनो एक बात, उसका उपयोग। मैंने किसी के परिवार को गाली दिया, आतंकी को आतंकी कहना इस देश में जुर्म है क्या? ये पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान है, आतंकी को आतंकी कहा जाएगा इस देश में? कौन नहीं, आप नहीं तय करोगे, ठीक है? हम तय करेंगे, हम हिंदुस्तानी तय करेंगे। आपको बहुत है, आप जाइए, बहुत प्यार है बाबर से ना, तो चले जाओ, अच्छी बात है। अरे भाई घूम घूम के नहीं, बाबर से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम, चले जाओ जहाँ से बाबर आया था। फालतू बात, हिंदुस्तान में किसी बाबर प्रेमी की जगह के लिए जगह नहीं है मेरे भाई। बाबर को लेकर राणा सांगा आया था, इतिहास जिसको भी बाबर से प्रेम है वो चला जाए बाबर के पास, बाबर के पास। फालतू बात, और देखिए आप रहिए, ज्यादा नेतगिरी मत करिए, बहुत बड़े नेता है आप होंगे, ठीक है? आपका पटिया पर जगह आपको कूद रहा है ना, कोई साथ कितना देगा पता चलेगा। चलो तो देख रहा है ना, वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा 24 और 25 में। चलो ठीक है, फोटो ज्यादा मत हमको तपाओ, ठीक है? थोड़ा अध्ययन कर लिया करो आप लोग। अरे चलो रखो रखो, जबान पे लगाम दो, ठीक है? कायदे से बात होगा, अध्ययन कर लो अध्ययन। कहां से जाहिलियत मूर्ख लोग चले आते हैं, मुसलमान कौम इसी के लिए मूर्खता पे जी रही है। कायदे में रहो प्लीज, मुसलमान कौम इसी तरह मूर्खता पे जी रही है, तुम जैसे मूर्ख लोगों को। मुसलमानों को मत बताइए रास्ता, मुसलमान वो तो हकीकत मालूम है, मुसलमानों की क्या कर रखा है तुम जैसे लोगों ने।
आप अपने आप जैसे लोगों की वजह से मुसलमानों की हैसियत और हालात क्या है आज, आप बताएंगे मुसलमानों के हालात। चुप रहो ना यार, काली और जबान लड़ा रहे हो। ठीक है रखो भाई, रखो, काहे के लिए जो है फोन करते हो हम। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गया है इस धमकी भरे ऑडियो कॉल में। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे दानिश इकबाल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए दानिश। थैंक यू समरीन जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब तो आपको धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, क्या कुछ हो गया, क्या ऐसा बोल दिया इंटरव्यू में, कौन सी ऐसी बात कह दी दानिश इकबाल ने कि धमकी भरे कॉल्स आने लगे। देखिए आपके ही चैनल पे वो इंटरव्यू था मेरा जी जी। और राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है 22 जनवरी को, उसी विषय पर जो है बातचीत हो रही थी। और जो वास्तविकता है, जो सच है कि भगवान राम जो है वो किसी मज़हब तक सीमित नहीं है, भगवान राम जो है वो पूरे मानवता के लिए हैं। और ख़ासकर जो भारतीय प्राचीन जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है हमारी, उसके वो बहुत बड़े प्रतीक हैं। तो हम लोग उनका सम्मान करते हैं, हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। और उन्होंने जो जीवन जिया है, जिस प्रकार से उनका रामराज था, जिस प्रकार से उनका जीवन था, जो संदेश था, तो हम चाहते हैं कि हमारे भविष्य में आने वाले जो जनरेशन है उस चीज़ों को, उस संदेश को अपनाए अपने जीवन में। यही बात मैंने कही थी, लेकिन कुछ लोगों को शायद बुरा लग गया और कुछ लोगों ने उसके बाद जो है रात में मुझे कॉल कर आता है एक अननोन नंबर से, और उसके बाद से जो है वो मुझे फ़ोन करके धमकी देता है कि आप जो है जो इंटरव्यू में बातचीत थी उसमें मैंने औरंगज़ेब और बाबर सबका विषय आया था कि किस प्रकार से जो है ये लोग जो हैं औरंगज़ेब हों या बाबर हों, ये आक्रांता थे, ये भारत में आए भारत को लूटने के लिए। और भारत की जो प्राचीन इतिहास रहा है उसके अंदर जो मंदिरें थे, बड़ी बड़ी आलिशान मंदिरें थे, उसको लूटा, मंदिर के अंदर जो खजाना था उसको लूटा। तो ये जग जाहिर है, ये कहीं छुपी हुई चीजें नहीं है। तो इस बात को अगर हम स्वीकार करते हैं और इस बात को हम कहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो जो व्यक्ति रहा होगा जिसने मुझे कॉल किया है, वो बाबर का वंशज है, या वो ऑब्वियसली क्योंकि वो लोग जो है बाहर से आए हैं इस देश के अंदर, और हम जो लोग हैं इस देश के अंदर जो देशज मुसलमान है, जो भारतीय मुसलमान है, भारतीय मूल, भारतीय मिट्टी और भारतीय खून के मुसलमान है, तो हमारी पूजा पद्धति सामरिन अलग हो गई है, जुदा है बाकियों से। लेकिन हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चर है और हमारे जो पूर्वज हैं, वो अलग नहीं हो सकते हैं। आज हमारा पूजा पद्धति इस्लाम का है, शायद हो सकता है कि 500 वर्ष के बाद हम और भी कोई अलग पूजा पद्धति अपना सकते हैं। तो लेकिन क्या हम अपने पूर्वज को अलग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? उसी प्रकार से भगवान राम हमारे पूर्वज हैं। यही बात मैंने कही थी, इसी कारण जो है उसने मुझे फ़ोन करके धमकी देने की कोशिश की। और उसने कहा कि पटना में आपको दौरा दौरा करके मारेंगे और आप ये सब बातें जो है सम्राट चौधरी के बल पर बोल रहे हो, क्या सम्राट चौधरी आपको बचाने के लिए आएंगे? तो इस तरह की बातें उसने कही है। उसके बाद से जो है प्रदेश अध्यक्ष और पूरी पार्टी मेरे साथ है, पूरी पार्टी की लीगल टीम मेरे साथ गई कोतवाली थाना में, और वहां जा करके हमने जो है कंप्लेन दर्ज कराया है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। क्या लगता है दानिश, कौन डरा रहा है दानिश को, कौन चुप कराना चाहता है दानिश इकबाल को, कौन दे रहा है दानिश को धमकी, क्या साजिशन ये सारी चीजें हो रही है? देखिए कोई डरा तो नहीं सकता हमें, कोई चुप तो करा नहीं सकता हमें। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जब बंटवारा हुआ और पाकिस्तान जो है मज़हब के आधार पर अलग हुआ था, तो वो लोग जो टू नेशन थ्योरी के लोग थे, जो जिन्ना विचारधारा के लोग थे, कुछ लोग पाकिस्तानी पॉकेट के रूप में भारत में अभी भी रहते हैं। पाकिस्तानी पॉकेट के, यस यस, छोटे छोटे पॉकेट के रूप में जो पाकिस्तानी सोच है, जो टू नेशन थ्योरी की सोच है, जो हिंदू मुसलमान को अलग, कट्टरपंथी कह लीजिए, अलग अलग हिंदू मुसलमान को अलग अलग देखने की सोच है, जिन्ना की जो विचारधारा है, तो उस सोच के लोग छोटे छोटे पॉकेट के रूप में यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं और रह रहकर इस तरह की बातें करते रहते हैं, जिससे भारत के अंदर सांप्रदायिकता जो है बढ़ती है और इस देश का माहौल खराब होता है। अच्छा ये बताइए कि आपने तो शिकायत कर दी, कोई अपडेट आया इस मामले पर, कुछ पता चला? देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो कोई लेफ्ट विचारधारा का व्यक्ति है और बिहार से ही है, और उसके संबंध जो है आरजेडी और कांग्रेस के दिगर पार्टी के नेताओं से हैं, और वो उसकी सोच से ही जाहिर होता है कि वो एक कट्टर विचारधारा का। और देखिए इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर आप अपने विचार को रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपकी अभिव्यक्ति है कि आप अपने विचार को रखें। लेकिन ये जंगल राज जो बिहार का है, जो आरजेडी की सरकार है, यहाँ अपराध चरम पर है, अधिकारी, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है, आम जनमानस की बात तो दूर है। और अब तो हद हो गई है कि राजनीतिक लोगों को भी बोलने पर फोन करके धमकी दी जा रही है। तो ये साफ दर्शाता है कि इस प्रदेश के अंदर जो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सिक्योर हो चुकी है। नहीं, नीतीश और आरजेडी की सरकार से कोई समझौता नहीं करते मुख्यमंत्री, और वही CCC जो है, क्रिमिनलाइजेशन, कम्युनलिज्म और करप्शन, तीनों का तीनों आज चरम पर है बिहार के अंदर। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ताजा उदाहरण है आपको
जी बिल्कुल, आप देखिए इस प्रदेश के अंदर जो है हर तरफ माफिया गिरी है, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो रेत का हो, चाहे वो जमीन का हो, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी अभी दो दिन पहले आप देखिए फुलवारी शरीफ के अंदर जो है दो छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है और एक की मौत हो जाती है और एक जो है अपनी जिंदगी की जो है जूझ रही है हॉस्पिटल के अंदर। तो इस पर और कोई भी व्यक्ति, एक भी सरकारी व्यक्ति, एक भी आरजेडी का नेता, कोई उसे देखने नहीं जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो सबसे पहले पहुंचते हैं घटनास्थल पर, उस परिवार से जाकर के मिलते हैं और उस बच्ची से अस्पताल में जाकर के मिलते हैं और आर्थिक सहयोग भी करने का काम करते हैं। अच्छा ये बताइए दानिश की, अब तो आप डर गए होंगे ना, अब तो खुद को राम भक्त नहीं बोलेंगे, अब तो भगवान राम के प्रति जो आस्था और विश्वास रखते हैं वो नहीं रखेंगे, अब तो ऐसा नहीं? देखिए ऐसा है कि ये जय श्री राम नहीं, ऐसा है कि ये 2% के लोग जिनकी ना कोई अपनी विचारधारा है, जिनकी ना अपनी कोई सभ्यता है, जो आज भी बाबर को अपना पूर्वज मानते हैं, जो आज भी बाबर को, बाबर से अपने आप को रिलेट करते हैं, हिंदुस्तान में तो रह गए लेकिन वो कभी हिंदुस्तानी हो नहीं पाए, ऐसे लोगों से हम लोग नहीं डरते। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं और प्राचीन परंपरा, भारतीय परंपरा को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को डरने वाले नहीं ऐसे लोगों से। मतलब दानिश इकबाल को कोई डरा नहीं, क्यों डराएगा, हमने गलत ही क्या किया जो क्यों डराएगा। ये बताइए क्या वाकई में, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, क्या वाकई में किसी मुसलमान का राम भक्त होना, भगवान राम के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना गलत है दानिश? देखिए ये जाहिलियत है इस देश के अंदर, जो लोग ये बात कहते हैं कि आप भगवान में आस्था क्यों रखते हैं, राम राम को सम्मान क्यों देते हैं। देखिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि पूरी धरती पर इस दुनिया के अंदर जो है डेमोग्राफिक रीजन के कारण जो है अलग अलग कल्चर है। जो सऊदी अरब का कल्चर है, जो टर्की का कल्चर है, ईरान का कल्चर है, वो अलग है। आप उस कल्चर को भारत पे नहीं थोप सकते हैं। और एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, मेरा नमाज पढ़ने का पूजा पद्धति का तरीका अलग है, लेकिन मेरे जो पूर्वज हैं, मेरी जो कल्चर है, मेरी जो संस्कृति है, मेरी जो सभ्यता है, उसको हम अरब से रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे खून में हिंदुस्तान की वो प्राचीन 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता भरी पड़ी है। तो हम कैसे अपने आप को अरब से और टर्की से और ईरान से जो रिलेट कर सकते हैं? मतलब मुसलमान का भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखना गुनाह नहीं है? बिल्कुल नहीं है। भगवान राम जो है वो हमारे पूर्वज हैं और पूर्वज का सम्मान करना, पूर्वज का जो है आदर करना, उनमें आस्था रखना, ये तो मानवता है, यही तो धर्म सिखाते हैं मुझे। आप इंडोनेशिया चले जाओ, इंडोनेशिया में गया, वहां पे उन लोगों ने कहा कि दानिश आपके देश में जो है क्यों राम मंदिर बनने का विरोध करते हैं आप लोग। मैंने कहा हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम जो 85% भारतीय देशज मुसलमान हैं, जो भारतीय हैं, इस देश के अंदर दो मुसलमान रहते हैं सामने, एक वो मुसलमान जो आक्रांताओं के साथ भारत के अंदर आए, जो अरब से आए, बगदाद से आए, बुखारा से आए, अफगान से आए, जो मुगल वंश के साथ आए, वो भारत के रह गए, लेकिन आज भी उन्होंने भारत के जो कल्चर है, भारत की सभ्यता को नहीं अपनाया। आज भी उनके नाम में ओवैसी है, आज भी उनके नाम में शेरवानी है, आज भी उनके नाम में बुखारी है। ओवैसी ईरान के एक शहर का नाम है, बुखारी बुखारा के आए हुए लोग बुखारी टाइटल लगाते हैं, शेरवानी जो है शेरवान एक शहर है ईरान का। तो जब 800 वर्षों के बाद वो अपने टाइटल को नहीं बदल सके हैं, तो वो क्या भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास और भारतीय सभ्यता को अपनाएंगे, और कैसे आप उम्मीद कर सकती हैं कि भगवान राम को अपनाएंगे? लेकिन उसके दूसरी तरफ जो भारतीय मुसलमान है, जो देशज मुसलमान है, जिनकी मिट्टी, जिनकी खून और जिनका मूल भगवान राम से ही शुरू होता है, तो उनकी पूजा पद्धति तो बदल गई है, लेकिन उनकी आस्था आज ही भगवान राम में है, क्योंकि भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, सिविलाइजेशन के एक महान प्रतीक है और हम उनका सम्मान करते रहेंगे। और देखिए इस देखते हैं और करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल दानिश की, क्या 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे दानिश इकबाल? देखिये बिल्कुल जाएंगे जी, इस देश के अंदर जो 500 वर्षों से जाइएगा ना, जाएंगे 500 वर्षों से जो एक विषय चला आ रहा था, उस विषय को शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया गया है और भारतीय देशज मुसलमानों ने, जिनकी संख्या 85% है, उन लोगों ने हृदय से इसका स्वागत किया है, सम्मान किया है। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे कि आप इस देश के अंदर आने वाले जनरेशन को, आने वाले भविष्य को क्या देना चाहते हैं? एक तरफ बाबरी परंपरा थी, एक तरफ राम, भगवान राम की परंपरा है। बाबरी परंपरा में भी 4 भाई थे और राम के जो परंपरा थी उसमें भी 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण और उनके 2 भाई और थे। दूसरी तरफ जो बाबरी परंपरा थी वहां पे औरंगजेब था, दारा शिकोह था, सुजान था और एक उसका और भाई था। एक तरफ भगवान राम की परंपरा में एक भाई अपने भाई का खड़ौन रख करके अपने भाई का इंतजार कर रहा है सत्ता और शासन सौंपने के लिए, और दूसरी तरफ एक परंपरा वो भी है बाबरी परंपरा, जहां की औरंगजेब ने अपने सारे भाई का कत्ल कर देता है, दारा शिकोह का कत्ल कर देता है सत्ता को प्राप्त करने के लिए और अपने भाई को, अपने बाप को कैद कर देता है। तो आप अपने बच्चों को मुस्तकबिल में कौन सा संदेश देना चाहती हैं?
कौन सा उदाहरण देना चाहती हैं और कौन सा प्रेरणा स्रोत बनाना चाहती हैं, किससे लेकर के, भगवान राम से या औरंगजेब से, ये आपको तय करना होगा, ये आज के मुसलमानों को तय करना होगा कि वो कौन सा उदाहरण और कौन सा जो है कल्चर देना चाहते हैं अपने बच्चों को, ये आप तय कीजिए। बिल्कुल, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है दानिश इकबाल ने, और आपने सुना और समझ भी लिया होगा कि दानिश इकबाल डरने वाले नहीं है, चाहे जितनी भी धमकी भरी कॉल्स क्यों ना आ जाए लेकिन दानिश इकबाल को आप चुप नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।